है वो जब 75 साल होने को हैं कमिंग 15 अगस्त में, और नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह पॉलिटिक्स को लेकर के चल रहे हैं और किस तरह इंडिया की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है लोगों को सीखना चाहिए दैट हाउ ही मेक्स इट टू टू शोकेसिंग इंडिया, जैसे कहते हैं ना इंडिया को शोकेस करने का। इंडिया का एक थिंक टैंक है जिसे मैं स्टेट थिंक टैंक कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको थिंक टैंक को नरेंद्र मोदी साहब ने ऑर्डर किया, हुक्म दिया कि जनाब आप जो पुराना जो एक डेवलपमेंट मॉडल है या जो पुरानी जो प्लानिंग कमीशन थी उसको हम डिसबैंड करते हैं, आप ये करें कि आप प्रोजेक्शन करें इंडिया की कि इंडिया 2022 में कैसा होगा। और ये ही स्टार्टेड डूइंग दिस इन 2018 में, और जैसे उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन शुरू कर दी और ये जो थिंक टैंक है इसने काम करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने समझा कि जी इस जो प्रोजेक्ट किया उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया की जो साइज है इकोनॉमी का 2022 तक वो 4 ट्रिलियन होगा, जबकि वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 2020 तक जो है वो 2.7 ट्रिलियन है। अच्छा ऑब्वियसली यस, टाइप 2 डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड। इसलिए इस थिंक टैंक को तो अंदाजा नहीं था कि बीच में कोविड आ जाएगा, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि 2018 में नरेंद्र मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को ये टास्क दिया। ये बेसिकली बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव थिंक टैंक है, अगर आप इसको फॉलो करें, इनकी रिपोर्ट्स पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह हाउ दे ट्राई टू प्रोजेक्ट इंडिया। ऑब्वियसली अगर आपके पास कुछ हो तो आप प्रोजेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 2022 तक 4 ट्रिलियन तक जाएगा, अब अगर आप इनकी रिपोर्ट्स देखें या इनका काम देखें तो ये किस तरह एक जो इंडिया का मॉडल है उसको दुनिया के सामने शेयर कर रहे थे। लेकिन जारी बात है कोविड एंड दिस कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन। अब ये है कि जो इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट रेट है ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि 2022 तक जो है वो 36% पर जाएगा, लेकिन ये 29% रहा। यानी कि आप देख लें कि किस तरह इन्होंने प्रोजेक्शन की। जो नेशंस हैं, जो बड़े ममालिक हैं या जो समझते हैं कि हम ग्लोबल स्टेज पे अपना इनपुट लेके आ सकते हैं, वो इस तरह की प्रोजेक्शंस करते हैं ताकि एक एक एनवायरनमेंट जनरेट किया जा सके। बाद में चीजें कैसी होती हैं वो एक बात के बाद है। फॉर एग्जाम्पल सुनने में आ रहा है कि जो फॉक्सकॉन है उसने एप्पल जो, क्योंकि मोबाइल बनता है इंडिया के अंदर, तो जो आईफोन का प्लांट है उसमें उन्होंने थोड़ी देर काम रोक दिया बिकॉज वहां पे चीजें नहीं है पूरी। 250 खवातीन को शायद जो है वो खाना सही नहीं दिया गया और इस तरह की चीजें हैं। कुछ 17,000 लोग वहां काम करते हैं। इंडिया अपने से बढ़ के काम कर रहा है, कैपेसिटी अभी उतनी नहीं है या कैपेसिटी पे काम हो रहा है, लेकिन somehow they projected that things के जी इन नरेंद्र मोदी ने इस पे काम किया कि हमारी प्रोजेक्शन की जाए। अच्छा जब अब ये 75 years को जेन में मद्देनजर रखते हुए किया, इसी तरह उन्होंने इसी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ये जो थिंक टैंक है ये कहता है जनाब के 2022 तक इंडिया जो टोटल गुड्स जो एक्सपोर्ट करेगा वो 800 बिलियन डॉलर की, लेकिन वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 2020 तक इंडिया जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है वो 496 बिलियन डॉलर है। दैट इज अ साइजेबल मार्क, इतना बुरा नंबर नहीं है। ठीक है जी, अभी जारी बात है कि ये जो टेंशन्स विद चाइना है दे कुडंट इंक्लूड दोज टेंशन्स, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जो प्रोजेक्शन नरेंद्र मोदी ने करवाने की कोशिश की इंडिया की थ्रू दिस थिंक टैंक, वो काफी हद तक जो है वो कामयाब भी हुए हैं और काफी हद तक उनके लिए चैलेंजेस जो है वो रहे हैं अभी। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान अगर आप प्यू रिसर्च सेंटर है, बेसिकली ये अमेरिकन थिंक टैंक है जो पूरी दुनिया के लिए जो है वो पोल्स करता है, इन्होंने मार्च 2021 में पोल किया कि 30 मिलियन जो मिडिल क्लास इंडियन जो है वो दोबारा पावर्टी में आ गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से, और जो इंडियंस ऑलरेडी $2 अ डे पे गुजारा कर रहे हैं उनमें 75 मिलियन लोगों का इजाफा हो गया। सो अब आप इमेजिन कर ले, अमूमन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कोविड इंडिया की जो है दैट वेंट $2 बिलो। ठीक है जी, अब नरेंद्र मोदी प्रोजेक्शन जो दे रहे थे दे वर गिविंग इट इन अ डिफरेंट वे, लेकिन बीच में कोविड आ गया, इसने
प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनकी क्या थी कि वो जो अपने आप को कहते हैं जी वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। जब इकोनॉमिक प्रोजेक्शन शुरू की, साथ ही जो नरेंद्र मोदी को जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जहां पे वो समझते हैं कि दिस इज वेयर आई हैव टू प्ले एंड दिस इज वेयर आई हैव टू वर्क, वो है जो बेसिकली 2017 में बेसिकली जो योगी आदित्यनाथ की जो इलेक्शन था यूपी में, और दोबारा क्योंकि ये इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं अगले साल आई थिंक, और अब आपको पता है कि इसकी जो यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है या ये जहां पे जो, और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हो, भले जो है वो राजनाथ सिंह हो, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ये ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ। और अब योगी साहब जो हैं, वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है, एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट, मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। So, अब ये जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब, और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल, एंड और जो योगी आदित्यनाथ है, नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है, वो जो पोटेंशियल थी वो दी है, और इसके साथ साथ लेकिन जो बाहर का मीडिया, बाहर की दुनिया अंदर देख रही है, वो ये है कि भाई ये इन्होंने एक पॉपुलिज्म का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये एक एथनो नेशनल मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ इंडिया को लेके गए हैं, और जो डेमोक्रेसी है वो जो है वो मजबूत नहीं हुई। अच्छा, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये समझने की जरूरत है, अमेरिका सिंपल एक वर्ड यूज कर देता है जी इलिबरल डेमोक्रेसी। अच्छा बिल्कुल ठीक है, दिस इज एन इलिबरल डेमोक्रेसी, मींस के जहां पे डेमोक्रेसी तो होती है लेकिन वो जो डेमोक्रेटिक कल्चर या जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स होती हैं पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिकल पार्टीज की, वो उस तरह नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, वो कहते हैं भाई सो व्हाट, वी आर अ डेमोक्रेसी विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरा जो मकसद है इस सारी आपको चीजें बताने का, द रीजन बिहाइंड इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू मेक इट्स केस, अपना केस कैसे बना रहा है, ठीक है जी। और ये अब 2022 तक अगर इंडिया जो है वो अपने 75 साल जो है वो पूरे कर रहा है, अगर बीच में कोविड, और जैसे मैंने बताया कि ये जो थिंक टैंक है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हुज जॉब इज टू प्रोजेक्ट इंडिया, हुज जॉब इज टू मेक द केस फॉर इंडिया, ठीक है जी। और अगर आप उनकी जीडीपी देखें, या अगर आप उनकी फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जी अभी कोई, मेरा ख्याल है रिसेंटली जैसे मैं बात कर रहा था कि 20 स्टार्टअप्स के वाले से बात कर रहा था, हाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर वो किस तरह आ रही है, और ये जो जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी तेजी से आ रही है, और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो बड़ी तेजी से आगे की तरफ जा रहा है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो अगर कोविड बीच में ना आता तो जो इस थिंक टैंक नीति आयोग जिसे बोलते हैं, आई थिंक आई प्रोनाउंस द राइट वर्ड, ये जो थिंक टैंक था दैट वुड हैव बीन जो प्रोजेक्शंस दे रहा था, जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था इंडिया के बारे में, दोज वुड हैव बीन करेक्ट। अगर इंडिया वुड बी $800 बिलियन एक्सपोर्ट मॉडल हो, ठीक है जी, $4 trillion की इकोनॉमी हो, दैट विल मेक अ बिगर केस। सो दिस इज वेयर पाकिस्तान हैव टू अंडरस्टैंड के एंड द पॉलिटिक्स विच इज गोइंग इन इंडिया इज के इवन इफ इंडिया हैज योगी साहब एज ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया,
And even if the BJP goes for populism, they go for ethno-nationalistic majoritarianism, even if they flout democratic credentials, it doesn't matter. Because what they have is, they are speaking on these statistics. Lekin agar, there is a vulnerability as well. Vulnerability ye hai ki India jaisa mulk, which is, does not have a very strong basis of the economy. Strong basis of raad ye hai ki, for example, COVID-19 aya, to aapko 2, 3, 4, 5, 6 mahine ke jhatke mein, your 75 million people went into poverty. Theek hai, ye hai wo base. अब वो जो एक एक जो ऊपर एलीट है, सुपर एलीट, फिर एलीट, वो जो नीचे मिडिल क्लास, वो तो बड़े अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल लोअर स्ट्रैटा है, दैट इज वेयर आई थिंक दैट इज वेयर ट्रांसफॉर्मेशन इज गेट टू बी. लेकिन इस वो सारी लोअर क्लासेस, सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन का कायदा फायदा किस तरह उठाएगी, ये एक जो है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट इज फॉल्टरिंग, उसको चैलेंजेस हैं, और स्टैटिस्टिक्स जो उसके हवाले से बातें की जा रही हैं कि वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, गो के वो 6-7% या इसमें दोबारा वो ग्रो करेंगे. लेकिन अगर नरेंद्र मोदी यूपी में इलेक्शन कर पास कर लेता है, उनका योगी जीत जाता है, तो याद रखिएगा बीजेपी जीत गई, आरएसएस जीत गई, वो जो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म वो जीत गई, फायर ब्रांड क्लैरिक जीत गया, हिंदू नेशनलिज्म जीत गई, ये वो चीजें हैं दैट मेक्स बेसिकली द केस फॉर इंडिया, एंड दैट ऑब्वियसली शैटर्स एनी काइंड ऑफ होप दैट इज टू कम फ्रॉम कांग्रेस, दैट इज टू कम फ्रॉम द लिबरल्स ऑफ इंडिया, दैट इज टू कम फ्रॉम वो जो प्रोग्रेसिव इंडियंस, बेशक आप उन्हें कह लें, वो जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, दैट उसकी जो होप है वो बिल्कुल शटर हो जाएगी, एंड दैट विल गिव अ कॉन्फिडेंस टू नरेंद्र मोदी. दैट इज वाई उन्होंने जो अपनी वो क्या से बोलते हैं जो फॉर्म लॉस थे तीन, वो रिपील कर लिए तीनों के तीनों, बिकॉज ही न्यू के उसके लिए जो है वो मिसाइल होंगे मोदी जी की पॉलिटिक्स के लिए. अब आके अगर हम सिर्फ ये तसव्वुर करते रहेंगे पाकिस्तान के, हमें वी हैव टू जस्ट अब्यूज इंडिया, वी हैव टू आस्क अदर कंट्रीज टू स्टैंड अप विद अस अगेंस्ट इंडिया, एंड वी डोंट डू थिंग्स आर सेल्फ, एंड वी डो नॉट मेक अप थिंग्स फॉर आर सेल्फ, और डो नॉट कम्पीट इंडिया ऑन दिस इकोनॉमी थिंग, things will not be fine. So they are projecting India, वो जो से कह रहे हैं ना कि they are projecting India for 75 years में वो क्या कर रहे हैं, and he is showcasing, and let me tell you the next year, ये जो 8 months हैं, नरेंद्र मोदी will just be selling one thing, 75 years, 75 years and 75 years, और ये जो 75 years हैं, they are going to be very much, वो जो कह लेना कि मेरे टर्नओवर में ये हुआ. सो ये जो पुराना प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड करना और कहा कि जी 2022 को मद्देनजर रखें, ठीक है जी, और इस लैंडमार्क को जेन में रखें, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस डेवलप करना, पॉलिटिकली अपने आप को उठाना, फिर मीडिया में जिस तरह उसने मेनस्ट्रीम किया, इट डज नॉट सीम, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल, फॉर एग्जांपल आई वाज ऑन अ पाकिस्तानी स्टेट टीवी लास्ट नाइट एंड देयर वाज अ क्वेश्चन दैट व्हाई वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग अप टुवर्ड्स इंडिया, दैट ओ लुक वहां पे जो है वो वैंडलिज्म हुई है, या वहां पे जो हरियाणा में अंबाला में आई थिंक जो क्रिश्चियन जो जीसस क्राइस्ट का वो हो गया. So there is an answer to this as well. The answer to this is that the world does not, or the just cannot confine it to one, that one incident or few incidents. The world basically looks India as a large set of population which is actually struggling a lot, and aur uska jo bada set of the chunk of the population jo hai wo apne ek global jo footprints bana raha hai. And the marketing strategy of Narendra Modi and the co is, this is so big, this is so successful that one must understand ke kis tarah he is trying to make his case. Ye, this his rise, his projection, and obviously what will be bich mein hiccups kya aate hain, that makes a case, and one must analyze and see it, and that is why, that is what India is trying to सीट एंड जो है वो देख रहे थे. मैं फॉर एग्जाम्पल कल रात को
अमेरिका के जो अम्बेसडर इंडिया और पाकिस्तान आ रहे हैं उनकी जो सेनेट में हेयरिंग है वो सुन रहा था, ठीक है, कि जो अमेरिकी अम्बेसडर पाकिस्तान आ रहा है वो क्या बातें कर रहा है और जो अमेरिकी अम्बेसडर इंडिया जा रहा है वो क्या बातें कर रहा है। दे वर जस्ट पोल्स अपार्ट। द चैलेंजेस विच अमेरिका इज फेसिंग फॉर पाकिस्तान इज अ डिफरेंट थिंग एंड अपॉर्चुनिटीज एंड द चैलेंज विच द अमेरिकन्स हैव फॉर इंडिया इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग।